सलाम बाजी, आप आ गए खैरियत से? हाँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? जरबाब साहब तो अभी ऑफिस से नहीं आए, जोहेब साहब आ चुके हैं और सब लोग बेगम साहिबा के कमरे में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए एक ग्लास जूस लेकर आओ, थक गई हूँ। जी ठीक है। जोहेब, मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं कर सकती, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन क्यों अम्मी? मेरी फायजा और जरबाब से भी बात हुई है, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको भाभी की फैमिली के साथ मसला क्या है। आपने उजाला को देखा तो है, इंटेलिजेंट है, डिसेंट है, इतनी खूबसूरत है। बेटा, लड़की में सिर्फ खूबसूरती नहीं देखी जाती है, उसका खानदान, उसका घराना भी देखा जाता है। अब मुझे बताओ, उसका कोई अता पता है खानदान का कि कहां से आई है वो? अब ऐसी लड़की से मैं तुम्हारी शादी कैसे कर दूं? अम्मी, मुझे शादी उजाला से करनी है, उसके खानदान से नहीं। सुहेब, तुम उस लड़की के लिए मुझसे इतने बदलिहाज हो सकते हो? अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए। अम्मी, आप किरण भाभी की वजह से उजाला को रिजेक्ट क्यों कर रही हैं? वो उसकी तरह तेज तरार या चालाक नहीं है, वो तो बहुत इनोसेंट लड़की है, डिसेंट सी है। एक दफा मिल लें, एक दफा तो मिल लें। हाँ अम्मी, एक दफा मिल तो लें आप उससे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आप उससे मिले बगैर उसके बारे में इतनी जजमेंटल कैसे हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि सुहेब ठीक कह रहा है, तुम एक दफा उजाला से मिलो। नहीं, मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगी और तुम उस लड़की का नाम आइंदा मेरे सामने लेना मत। अम्मी, बहस नहीं करना चाहती मैं ज्यादा तुमसे, बस कोई अच्छी सी लड़की देख कर तुम्हारा रिश्ता तय कर देती हूँ। बल्कि वो फायजा ने रिश्ता बताया था ना, उन्हीं लोगों को घर बुलवा लेती हूँ। हमारे फर्ज से भी और नवीन के फर्ज से भी सबकदोश हो जाऊंगी एक साथ ही। अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं उजाला से मोहब्बत करता हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उजाला के साथ करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप किरण भाभी के चक्कर में मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं। उजाला, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, आप चाहती है ना कि मैं उजाला के साथ शादी ना करूं? मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये जो आप बता रही हैं, मैं इसके साथ भी शादी नहीं करूंगा। अगर उजाला नहीं तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगा। भाई, ये तो जिद पर आ गया है, बात ही नहीं समझ रहा मेरी, क्या हो गया इसे? अच्छा मैं, आप रिलैक्स हो जाए प्लीज, हद होती है।